सर दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीके मेनिया पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हरियाणा सिविल सर्विसेज 2019 का पहला प्रश्न पत्र और उसके जवाब। तो आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा। हरियाणा का जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2021 में होने जा रहा है 12 सितंबर को, तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा और आपको इससे काफ़ी आइडिया मिलेगा कि कैसा आपका पेपर आने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आप बगल में दी हुई घंटी को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो पहला जो सवाल था वह था सूची एक में दिए गए वर्षों को सूची दो में दिए गए अकबर के शासनकाल की मुख्य घटनाओं से मिलान कीजिए। सूची एक में वर्ष दिए गए हैं, सूची दो में अकबर के शासनकाल की मुख्य घटनाएं दी गई हैं, आपको मिलान करना था। तो देखिए 1564, 1575, 1589 और 1582 ये साल दिए हुए हैं और मुख्य घटनाएं दी गई हैं दसाला सिस्टम, महजर की उद्घोषणा, जजिया का उन्मूलन और इबादत खाना की स्थापना। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा आप कमेंट करके हमें बताइए। मैं आपको सही जवाब बता रहा हूँ। 1564 में जजिया कर का उन्मूलन किया गया था अकबर के द्वारा। तो पहले का सही जोड़ा है सी, और पहले का सही जोड़ा सी है, और दूसरे का जो वर्ष 1575 है इसमें इबादत खाना की स्थापना हुई थी अकबर के द्वारा, तो दूसरे का सही जोड़ा है ऑप्शन डी। तो इस प्रकार इस सवाल का सही जवाब हो गया विकल्प नंबर 3, ऑप्शन सी। ओके, तो सभी लोग इस बात को टिक कर लीजिएगा, पहले सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1579 में जो हुआ था वह हुआ था महजर की उद्घोषणा, और 1582 में जो हुआ था उस घटना का नाम है दसाला सिस्टम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विश्व का सबसे ज़्यादा शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब था, बताइए क्या होगा आपके हिसाब से इस सवाल का सही जवाब? इस सवाल का सही जवाब था एटाकामा डेजर्ट, जो कि चिली देश में है, एटाकामा डेजर्ट साउथ अमेरिका में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे दो सूची दी गई हैं, आपको मिलान करना था। बुद्धिस्ट की जो चार काउंसिल हुई थी उनकी जगहों के नाम बताने थे। तो आप सभी जानते हैं पहली काउंसिल हुई थी राजगिरी में, दूसरी काउंसिल हुई थी वैशाली में, ठीक है, तीसरी काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में, और चौथी काउंसिल हुई थी कुंडल वन में। तो इस हिसाब से इस सवाल का सही जवाब है विकल्प नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वर्णक युक्त और प्रकाश परावर्तक कोशिकाएं हैं, इस सवाल का सही जवाब है क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर वो पिगमेंट हैं जिसमें कि लाइट रिफ्लेक्टिंग सेल्स होते हैं, इसको बोलते हैं क्रोमेटोफोर। अगला सवाल, नीली क्रांति किस आर्थिक गतिविधि से संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। अगला सवाल, पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है? आप सभी जानते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्ण करती है। देखिए दोस्तों, इसके बाद हम और भी सालों के HCS के पेपर लेके आएंगे वीडियो में, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी के आइकन को ज़रूर ऑल पे सेट कर लेना ताकि जब हम दूसरे सालों के पेपर भी अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको उस वीडियो से फ़ायदा हो, और अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में जो इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं उनके साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, देखिए अगला सवाल, इस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से चावल की खेती के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं? तो यह सवाल जो है इसका सही जवाब मैं आपको बता रहा हूँ, इसका सही जवाब है रंगपुर। कुछ सवालों के जवाब इनकी ऑफिशियल की में गलत दे रखे हैं, तो मैं आपको अपने रिसर्च के आधार पर सही जवाब बता रहा हूँ। अगला सवाल,
geostationary satellite is positioned at a distance of how many kilometers above mean sea level. देखिए इसका exact जो distance होता है वह होता है 35,800 किलोमीटर, लेकिन वो इसमें दे नहीं रखा है, तो यहाँ पे जो उसके नज़दीक है वह है ऑप्शन सी 35,786 किलोमीटर, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिलीज एंड टर्मरिक, हल्दी और मिर्ची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में, तो वह है आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला सवाल, What did a person get when he was given a जागीर by Mughal Emperor? तो जब मुगल एम्परर किसी को जागीर देते थे तो एक्चुअल में वो उसे एक ज़मीन गिफ्ट में देते थे, तो grant of landed property ये इस सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल, माता टीला हाइडल प्रोजेक्ट किस नदी पर है? दोस्तों माता टीला हाइडल प्रोजेक्ट बेतवा नदी पर है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल, दो सूची दे रखी हैं, आपको मिलान करना है। अबुल फजल, आप सभी जानते हैं अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था, ठीक है, तो आपका इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। अब्दुल कादिर बदायूनी ने मुंतखाब उत तवारीख लिखा था, ओके। जयुद बारानी ने लिखा था तारीख ए फिरोजशाही, और अब्दुल हमीद लाहौरी ने जो लिखा था उस किताब का नाम है ऑप्शन बी पदशाह नामा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला सवाल, Disguised unemployment is said to occur when? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है, जब जितने मजदूरों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा मजदूर एक उस काम को करने में लगे हुए हों, तो वो होता है disguised unemployment, ना दिखने वाला। ठीक है, तो ये है disguised unemployment का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। More labor is engaged in an ऑक्यूपेशन देन प्राइमरली रिक्वायर्ड, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा मजदूर जब किसी एक कार्य में लगे होते हैं। ठीक है, अगला सवाल, सूची दी गई है, आपको मिलान करना है। आप सभी जानते हैं 20 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, तो दो का सही मैच होगा सी से, ठीक है, और 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, 15 मार्च को कंज्यूमर्स राइट डे मनाया जाता है, और 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है, तो इस हिसाब से आपका उत्तर हो गया 1 का बी, 4 का ए, तो 4 का ए और 1 का बी यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब। जिन्होंने भी कमेंट में ये जवाब दिया है उन सभी का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, इंडियाज कोस्ट लाइन मेजर्स, तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वह है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, द भारत निर्माण प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 2005 वाज इंटेंडेड टू, क्या उद्देश्य थे भारत निर्माण प्रोग्राम के जो कि 2005 में शुरू किया गया था, उसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी को विकसित करना, विकल्प नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, व्हाट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर देयर इन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो दोस्तों देखिए इस सवाल में ये दोनों ही विकल्प सही हैं, राइजोबियम और एजोबैक्टर। ठीक है, तो जो इसका सही जवाब है वह है मेरे हिसाब से राइजोबियम होना चाहिए, आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आपके हिसाब से क्या सही जवाब होना चाहिए,
क्वेश्चन नंबर 21 का। अगला सवाल, ब्लैक कॉटन सोइल आर ऑल्सो नोन एज, ब्लैक कॉटन मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको रेगुर के नाम से जाना जाता है, काली मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है। अगला सवाल, अगर वीडियो की स्पीड ज़्यादा लगे तो आप पॉज करके भी देख सकते हैं, जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, फिर देखिएगा। ओके, अगला सवाल देखिए, हरियाणा में पैदा की जाने वाली 3 मुख्य खरीफ फसलें हैं। तो इस सवाल का सही जवाब है धान, गन्ना और कपास। ठीक है, अगला सवाल, किस शिलालेख में अशोक का सही नाम लिखा है, न कि उसकी सामान्य उपाधि देवान प्रिय? तो जो मस्की का शिलालेख है उसमें अशोक का सही नाम लिखा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 1902 में किस वायसराय के अंतर्गत इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना हुई? तो उस वायसराय का नाम था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, अगला सवाल, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट सब डिविजन्स एंड तहसील्स आर देयर इन हरियाणा, हरियाणा में कुल कितने जिले, उपखंड और तहसील हैं? तो आपका सही जवाब है 22 जिले, 73 उपखंड और 93 तहसीलें। ठीक है, याद रखिएगा। वीडियो को प्लीज़ सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, आज के इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं 1000 लाइक्स। ठीक है दोस्तों, आप सभी के लिए, ये चैनल आपका अपना ही है तो आपका प्यार हमें चाहिए, आपके लिए मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, वीडियो लेके आते हैं, आप सभी प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। अगला सवाल देखिए, हरियाणा में ये सवाल हो गया है। 27वां सवाल देखिए, हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग को वन आच्छादन के अंतर्गत आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है? तो इस सवाल का सही जवाब है 3.59%। ठीक है, अगला सवाल, प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च इन ईयर 2014 वाज डिजाइंड टू, तो आप सभी जानते हैं कि देश में वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए ये योजना लागू हुई थी। विकल्प ए इस सवाल का सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, फिर से सूची दी गई है आपको, राजाओं के नाम दिए गए हैं और उनके राजवंशों के नाम दिए हैं। तो विष्णुवर्धन जो थे उनका संबंध होशियाल राजवंश से था। ठीक है, तो चौथे का मिलान होगा बी से। ठीक है, और महेंद्र वर्मन जो थे, महेंद्र वर्मन, इनका संबंध पल्लव वंश से था। ठीक है, तो इस प्रकार आपका सही जवाब हो गया विकल्प नंबर एक। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, युकाटन स्टेट ज्वाइंट्स विच टू कंट्रीज, बताइए कौन से दो देशों को युकाटन स्टेट जोड़ता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है मैक्सिको और क्यूबा, क्यूबा और मैक्सिको जोड़ता है ये स्टेट। अगला सवाल, सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम इन कलकत्ता वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच एक्ट, बाय विच एक्ट? तो आप सभी जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। देखिए अगला सवाल 32वां, फिर से सूची दी गई है, मिलान करना है। फाल्कन कैपिटल, फाल्कन एक पक्षी होता है दोस्तों, और फाल्कन कैपिटल के नाम से जो राज्य जाना जाता है वह है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, गेटवे लैंड ऑफ हिल पीपल्स यह है आपका मणिपुर, सॉरी मिजोरम। ठीक है, और इस हिसाब से इस सवाल का सही जवाब हुआ, पहले का मिलान होगा डी से, पहले का मिलान डी से होगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरे का मिलान ऑर्चिड स्टेट जो है वह होगा बी, नागालैंड, और तीसरे का मिलान होगा सी से, द गेटवे ऑफ ईस्ट मिजोरम। चौथे का मिलान होगा ए से, मणिपुर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर समुद्र की सतह के तापमान में अनियमित
भिन्नता के कारण उत्पन्न महासागरीय धारा को कहा जाता है। क्या नाम है उस महासागरीय धारा का? उसका नाम है अलनीनो। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला सवाल, 35वां सवाल, फिर से सूची दी गई है, आप लोगों को मिलान करना है। तो एक्टस रियस जो है, इसका संबंध है गुल्टी एक्ट से, सर्टुरारी, सर्टुरारी जो है इसका मतलब होता है टू बी एप्राइज्ड। तो इस तरीके से इस सवाल का सही जवाब है विकल्प नंबर एक। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच प्लांट वॉज ऑल्सो नोन एज राव, विच प्लान इज ऑल्सो नोन एज राव एंड मनमोहन प्लान। तो इस सवाल का सही जवाब है आठवीं पंचवर्षीय योजना, आठवीं पंचवर्षीय योजना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल फिर से आपको सूची दी गई है, मिलान करना है दोनों सूचियों का। तो देखिए सूची दी गई है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, आप सभी जानते हैं नरेगा, 2005 में लागू हुआ था। ठीक है, तो पहले का मिलान होगा बी से, और दूसरे का प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में लागू हुई, दूसरे का मिलान होगा सी से। ठीक है, तीसरे का मिलान होगा एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम 1993, और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये शुरू हुई 2000 में। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी, विकल्प नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। Who was appointed Attorney General of India on 30th June? तो दोस्तों ये इस सवाल का सही जवाब है के वेणुगोपाल, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से जो अनुच्छेद संबंध रखता है वो है 76, आर्टिकल नंबर 76। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फिर से सूची दी गई है, आपको मिलान करना है। इच्थियोलॉजी जो होता है वह होता है स्टडी ऑफ फिशेज, यानी कि चौथे का मिलान होगा ए से। ठीक है, और कैटोलॉजी जो होता है वह भी स्टडी ऑफ मराइन मैमल्स होता है, यानी कि स्टडी ऑफ वेल्स एंड डॉल्फिन्स होता है। तो दूसरे का मिलान होगा डी से। इस हिसाब से इस सवाल का सही जवाब है विकल्प नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, ए हाई मॉलिकुलर वेट कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ लो मॉलिकुलर वेट इज कॉल्ड, आप सभी जानते हैं उसको हम पॉलीमर कहते हैं। सही जवाब है पॉलीमर। अगला सवाल, ए वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटी वॉज डिक्लेयर्ड एज ए वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बाई यूनेस्को इन जुलाई 2017, तो 2017 में अहमदाबाद को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया था यूनेस्को द्वारा। चलिए देखते हैं अगला सवाल, फिर से सूची दी गई है, आप सभी जानते हैं लुई पाश्चर ने विकसित किया था वैक्सीनेशन एंड माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। ठीक है, सॉरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने विकसित किया था ये पेनिसिलिन वगैरह, और लुई पाश्चर ने जो विकसित किया था, लुई पाश्चर ने विकसित किया था वैक्सीनेशन एंड माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का मिलान होगा एंजाइम लाइसोजाइम एंड बेंजिल पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन दिया हुआ है। तो इस हिसाब से पहले का डी और दूसरे का सी, ना, तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, विच इज रेडियो कार्बन डेटिंग नॉट वाई इज रेडियो कार्बन डेटिंग नॉट गुड फॉर मटेरियल मोर देन 30,000 ईयर्स एगो। तो 30,000 साल पहले कार्बन डेटिंग के बारे में पता ही नहीं था, ठीक है, ये इसका सही जवाब है। अगला सवाल, गुरु नानक के जीवन संबंधी जानकारी किस मुख्य स्रोत में उपलब्ध है? तो इस सवाल का सही जवाब है आदि ग्रंथ। देख लेते हैं अगला सवाल, फिर से आपको सूची दी गई है, मिलान करना है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में शेख चिल्ली का मकबरा है? तो आप सभी जानते हैं कुरुक्षेत्रा में है शेख चिल्ली का मकबरा। पंचवटी मंदिर कहाँ है? देखिए दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब होगा, पहले का होगा सी कुरुक्षेत्रा, दूसरे का होगा डी पलवल। पंचवटी मंदिर पलवल में है, ठीक है। जयंती देवी मंदिर जींद में है और डिस्ट्रिक्ट एसोसिएटेड विद टाउन एंसेंट टाउन पोखरा कोट, उसका आंसर है रोहतक। इस हिसाब से विकल्प नंबर एक इस सवाल का सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न हो रिलेटिंग टू हरियाणा सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2021, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड ना हो रहा हो, क्वेश्चन पेपर में क्या पैटर्न रहेगा वो नहीं पता हो, समय कितना होगा, नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, कुछ भी एक्स वाई जेड हरियाणा सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2021 से संबंधित कोई भी किसी तरीके का कन्फ्यूज़न हो, आप कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला सवाल। गांधी जीज फेमस डांडी मार्च इन मार्च 1930, तो इसने, ये जो डांडी मार्च थी, इसने कौन से आंदोलन की नींव रख दी थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और यदि आपने यूपीएससी ईपीएफओ एनफोर्समेंट ऑफिसर जो एग्ज़ाम आज हुआ है यानी कि 5 सितंबर को, वो भी आपने एग्ज़ाम दिया है, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके भी आंसर मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो में, ठीक है। और हरियाणा के ये जो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम हुए हैं पहले वाले सालों में, ये 2019 का पेपर है, और भी बाकी जो 17 के 14 के पेपर हैं उनको भी मैं वीडियो में आपको उनके उत्तर बताऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बगल वाली बेल को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि केवल सब्सक्रिप्शन से आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा वीडियो जब हम अपलोड करेंगे, तो सब्सक्राइब करके बेल को ज़रूर दबा लीजिए, ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो देख के अपनी परीक्षा में उसका लाभ उठा पाएं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फिर से सूची दी गई है करनाल हिसार अम्बाला और रोहतक, और इस साइड दिया गया है जींद सिरसा पानीपत कैथल झज्जर भिवानी, ये हैं उनके ज्यूरिडिक्शन एरियाज और ये हैं आपके डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। अगला सवाल, वेयर वाज रजिया सुल्तान डिफीटेड एंड असैसिनेटेड। आप सभी जानते हैं रजिया सुल्तान को कैथल में उसकी हत्या कर दी गई थी। अगला सवाल, बान की मून, आप सभी जानते हैं बान की मून का संबंध है साउथ कोरिया से। कोफी अन्ना का संबंध है घाना से, जो कि अफ्रीका का एक देश है। तो इस हिसाब से आपका सही उत्तर होगा बान की मून सी और कॉफी अन्ना डी, यानी कि विकल्प नंबर एक। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, सेंट्रल नोडल एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटिंग प्राइस सपोर्ट ऑपरेशंस फॉर कॉमर्शियल क्रॉप इज, व्यावसायिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन कार्यों को लागू करने के लिए केंद्र नोडल एजेंसी है,
उसका नाम है दोस्तों नेफेड। नेफेड जो है ये इसका एजेंसी का नाम है, इसका कार्य है मूल्य समर्थन कार्यों को लागू करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये कहता है कि अनुसूचित जनजातियों और जनजातियों का राष्ट्रीय आयोग कब राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जनजाति में विभाजित हुआ। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। इस सवाल का सही जवाब आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ इस सवाल का सही जवाब, चलिए मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, आप कमेंट करके बताइएगा इस सवाल का सही जवाब। चलिए देखते हैं अगला सवाल। नशीली शराब पीने से हुई त्रासदी में जो सक्रिय एजेंट इस त्रासदी का कारण है वह है। इस सवाल का सही जवाब है एथाइल एल्कोहल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हरियाणा की मेटल्ड पक्की सड़क की कुल लंबाई क्या है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है 26,051 किलोमीटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है? तो आपराधिक प्रक्रिया यह समवर्ती सूची का विषय है, बिजली भी है, पुरातात्विक स्थल भी है, सार्वजनिक व्यवस्था यह है, सार्वजनिक व्यवस्था जो है यह है केंद्रीय सूची का विषय है। तो इसका सही जवाब है सार्वजनिक व्यवस्था। देखिए अगला सवाल। एमजी रानाडे और जीवी जोशी द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई कौन से साल में की गई? उस साल का नाम बताना है 2 अप्रैल 1870। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 1857 के विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा पहलू सही नहीं है? इसमें विविध सामाजिक भागीदारी थी, बिल्कुल सही। यह हर जगह शिक्षित अभाजित वर्ग द्वारा सपूर्ण समर्थित था, यह बिल्कुल गलत बात है। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प नंबर बी, यह सांप्रदायिक एकता का महान प्रतीक था, बिल्कुल सही। केवल उत्तरी भाग भारत में सीमित था, बिल्कुल सही। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे चोल साम्राज्य के गांव की सभा का नाम दिया गया? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है उर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। WTO की स्थापना आप सभी जानते हैं 1 जनवरी 1995 है ना, इस दिन WTO की स्थापना हुई थी जिनेवा में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फिर से विकल्प दिए हैं और सॉरी सूची दी है, आर्टिकल अनुच्छेद दिए हुए हैं और उनका संबंध किससे है ये दिया हुआ है। देखिए 153 जो है उसका संबंध है मैंडेट ऑफिस ऑफ गवर्नर से, यानी कि फर्स्ट का ऑप्शन बी होगा। सेकंड जो है आर्टिकल 154, इसका संबंध है स्पेसिफिक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ गवर्नर। इस हिसाब से ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हैज, तो आप सभी जानते हैं HSVP की जो है 4 जोनल प्रशासक हैं, 6 समिति अधिकारी होते हैं और 11 सहायक अधिकारी होते हैं इसमें। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यंत्र दिए गए हैं और किस काम में आता है? वो दिया गया हुआ है तो गैल्वेनोमीटर करंट नापने के काम आता है, बिल्कुल सही। मेजर इलेक्ट्रिसिटी करंट। हाइग्रोमीटर नमी ह्यूमिडिटी नापने के काम आता है। टेनोमीटर आँखों के अंदर का प्रेशर नापने के काम आता है, मेजर ऑफ इंटरनल प्रेशर। और जो मैनोमीटर है यह गैस का प्रेशर नापने के काम आता है। तो मैंने सभी यंत्र और उनके काम आपको बता दिए हैं, आप देख लेना मिलान करके कौन सा विकल्प सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस लेखक को शास्त्रीय तमिल महाकाव्य शिल्पधिकारम की रचना का श्रेय जाता है? तो उस लेखक का नाम है इलंगो अडिगल। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तित होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है?
क्या कहते हैं? तो उसका सही उत्तर है इसका गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पृथ्वी की सतह का क्षेत्रफल कितने मिलियन वर्ग किलोमीटर है? इस सवाल का सही जवाब है अप्रोक्सीमेटली 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल फिर से आपको सूची दी गई है, आपको मिलान करना है। बायोकेमिस्ट्री इसका सही मैच है केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक मिनट, हाइलाइटर ले लेता हूँ। बायोकेमिस्ट्री का सही मिलान होगा केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दूसरा है फिजिकल केमिस्ट्री, इसका सही मिलान होगा फिजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ केमिकल प्रोसेसेस। इस हिसाब से इस सवाल का सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, एमिटोफोबिया भय है। एमिटोफोबिया जो टर्म है इसका मतलब होता है वोमिटिंग से भय, उल्टी का भय, उल्टी आ जाने का भय, ठीक है, एमिटोफोबिया। चलिए देखते हैं अगला सवाल। निम्न में से कौन सा खारिफ फसल नहीं है? सभी जानते हैं आप, सरसों खारिफ है, ज्वार भी खारिफ है, धान खारिफ फसल नहीं है, यह है रबी की फसल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इस पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने अपना ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत दर्शाया है। दोस्तों इसका पुस्तक का नाम था इंडिया टुडे। अगला सवाल, ग्रैंड ट्रंक रोड डज नॉट पास थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा? तो जिस डिस्ट्रिक्ट में जीटी रोड पास नहीं करता है, जिस जिला से होकर, वह जिला है रोहतक। अगला सवाल, द साइंस बेस्ट सेलर ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, आप सभी जानते हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो है वह स्टीफन हॉकिंस की बायोग्राफी है। तो इस सवाल का सही जवाब है स्टीफन हॉकिंस। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक मिनट, सवाल नंबर 71 फिर से सूची दी गई है। एलपीजी आप जानते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। सीएनजी आप जानते हैं सीएनजी में ज्यादातर मात्रा मीथेन की होती है। और वाटर गैस आप जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की मात्रा, हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है। तो वाटर गैस जो है वो मिलान होगा डी से, पहले का डी ऑप्शन यानी कि विकल्प नंबर 1 सही है। देखते हैं अगला सवाल। फिर से सूची दी गई है, निजामुद्दीन औलिया ये स्पिरिचुअल गुरु थे अमीर खुसरो के। तो यानी कि पहले का विकल्प सी है, और विकल्प सी पहले का है तो विकल्प बी इस सवाल का सही जवाब है। आप पॉज करके वीडियो को देख लेना दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विश्व की पहली 30 किलोवाट क्लास एथेना ड्रोन डिस्ट्रॉइंग लेजर किसने डिजाइन की? तो ये इस सवाल का सही जवाब है लॉकहीड मार्टिन यूएसए, ठीक है, ये यूएसए के थे, इन्होंने डिजाइन की। अगला सवाल, जस्ट वेट अ मिनट, मिनट रुकिए दोस्तों। हाँ, अब ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फिर से सूची दी गई है, जयपुर घराना, देखिए जयपुर घराना से जिस व्यक्ति का संबंध था उनका नाम है किशोरी अमोनकर, ठीक है, किशोरी अमोनकर। तो पहले का विकल्प है सही विकल्प सी, पहले का सही विकल्प सी है। इस हिसाब से इस सवाल का सही जवाब है बी, ठीक है, आप देख लीजिएगा पॉज करके। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्न उच्च न्यायालयों में से
किसमें सबसे बड़ी संख्या में बेंच है? इस सवाल का सही जवाब है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेडियो एक्टिव पार्टिकल? गामा इस सवाल का सही जवाब है। गामा पार्टिकल रेडियो एक्टिव पार्टिकल नहीं है। कथकली का संबंध है केरल से। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने किस जैन विद्वान से परामर्श लेते और सम्मान देते थे? उनका नाम है जिनप्रभा सूरी। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जलियांवाला बाग हत्याकांड सभी जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को हुआ। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दिल्ली विश्वविद्यालय के किस कॉलेज में सर छोटू राम ने स्नातक की डिग्री के लिए अध्ययन किया था? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है सेंट स्टीफेंस कॉलेज। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फिर से सूची दी गई है, आप सभी जानते हैं योगा का संबंध पतंजलि से है, या फिर कह लीजिए पतंजलि का संबंध योगा से है। ठीक है, और संख्या का संबंध है कपिल मुनि से। ठीक है, न्याय का संबंध है जैमिनी से। और इस हिसाब से इस सवाल का सही जवाब हुआ विकल्प नंबर एक। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, गीता गोपीनाथ वाज फर्स्ट वुमेन चीफ इकोनॉमिस्ट टू बी अपॉइंटेड टू विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? तो IMF इस सवाल का सही जवाब है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एंटी टैंक मिसाइल सक्सेसफुली टेस्टेड बाय DRDO ऑन 28 फरवरी 2018, उसका नाम था नाग मिसाइल, जो DRDO ने इसका टेस्ट का परीक्षण किया था, इसकी टेस्ट की थी। अगला सवाल, प्लैंकोकोन्टोलॉजी ये जीवाश्मों का अध्ययन होता है, पौधों और जानवरों के जीवाश्म जो होते हैं उनकी उनके अध्ययन को कहा जाता है। अगला सवाल, विच इंडियन सिटी इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज लोकेटेड? सही उत्तर हैदराबाद। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यदि RBI वैधानिक तरलता अनुपात को 50 आधार अंक से कम करता है तब क्या होगा? तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपनी ऋण दरों में कटौती करेंगे। ठीक है, ये इसका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। आपके विकल्प हैं 2/3 से अधिक राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, या फिर लोकसभा द्वारा। तो इस सवाल का सही जवाब है राज्यसभा द्वारा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जानकी अमाल वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट PhD एंड एन ऑनरी DSC फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन इन विच सब्जेक्ट? तो ये एक बोटनिस्ट थी, वनस्पति विज्ञान से इनका संबंध है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फिर से आपको सूची दी गई है, आपको मिलान करना है। शिक्षा का संबंध था विकल्प नंबर B। ठीक है, तो इस हिसाब से इस सवाल का सही जवाब है विकल्प नंबर C। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यूनियन लेजिस्लेचर कैन लेजिस्लेट ऑन ए सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट ओनली व्हेन? बताइए, संघ विधायक का राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर केवल तभी कानून बना सकती है जब, इस सवाल का सही जवाब है जब राज्यसभा इसके
लिए प्रस्ताव पारित करे। ठीक है, इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, फिर से सूची दी गई है, मिलान करना है। आप सभी जानते हैं 1905 का संबंध है बंगाल के विभाजन से, 1930 का संबंध है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ठीक है, 1918 का संबंध है चंपारण सत्याग्रह से, और 1924 का संबंध है पूर्ण स्वराज्य से। तो मैंने सभी आपको बता दिए हैं, आप देख लेना कौन सा विकल्प बिल्कुल सही बैठ रहा है इस हिसाब से। अगला सवाल देखिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज, तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम को निम्न के रूप में भी जाना जाता है। इस सवाल का सही जवाब है लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि जड़त्व का सिद्धांत। अगला सवाल देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज हैज द मिड सन एग्जैक्टली ओवर हेड ओनली वंस इन ए ईयर, हिंदी में भी सुनिए, निम्नलिखित में से किन शहरों में मध्या सूर्य वर्ष में केवल एक बार ठीक ऊपर होता है सर के ऊपर। तो आप लोगों का सही जवाब जो है वो है नागपुर और कलकत्ता, इन शहरों में ऐसा होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। When the nucleus of uranium is bombarded with neutrons, it breaks up into two of nearly equal mass. This process is called, आप सभी जानते हैं इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फिजन, फिजन कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फिर से आपको अभ्यारण्य दे दिए गए हैं और स्थानों के नाम दिए हैं, मैच करना है। कैला देवी का संबंध राजस्थान से है, ठीक है। पंच जो अभ्यारण्य है वह है मध्य प्रदेश से संबंधित, तो इस हिसाब से इस सवाल का सही जवाब हुआ फर्स्ट का डी विकल्प नंबर एक, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा हरियाणा सिविल सर्विसेज के और भी पेपर्स पिछले सालों के, और UPSC का EPFO जो एग्ज़ाम हुआ था, कोशिश करूँगा उसके भी उत्तर आपको एक वीडियो में बताऊँ। तो आप सभी वीडियो को लाइक ज़रूर करिए प्लीज़, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आपको आने वाले वीडियोज़ की जानकारी भी चाहिए, वो भी आपको देखने हैं, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बनी हुई बेल के आइकन, घंटी के आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लेना, ठीक है। देखिए अगला सवाल, हरियाणा में सिंधु घाटी स्थल कहाँ स्थित है, आप सभी जानते हैं राखीगढ़ी। अगला सवाल, द एम्बलम ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन विच ईयर, यह साल था 2005। अगला सवाल देखिए, नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 2018 वॉज अवार्डेड फॉर पायनियरिंग वर्क इन विच फील्ड, तो यह दिया गया था लेजर फिजिक्स में। और हाँ, अगर राजस्थान सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम आप देखना चाहते हैं, उसके ऊपर भी हमारी एक वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के अंत में भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको लिंक दे दूं उस वीडियो का, आप जाके उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए, क्योंकि राजस्थान सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम भी 13-14-15 सितंबर 2021 में होने जा रहा है, तो उस वीडियो से भी आपको काफ़ी हेल्प होगी। और जो दोस्तों को ज़रूरत है इन चीज़ों की, उनको ज़रूर शेयर करें, व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप के माध्यम से हमारे वीडियोज़ को शेयर करें अपने दोस्तों रिश्तेदारों में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दो सूची दी गई हैं, फिर से आपको मिलान करना है। देखिए गरीबी उन्मूलन के लिए जो सरकारी कमेटियां बनी थी, तो उनके अध्यक्ष कौन कौन थे, 2005 में जो बनी थी उनके अध्यक्ष सुरेश तेंदुलकर थे, ठीक है, यानी कि थर्ड का मिलान होगा डी से, और थर्ड का मिलान डी से यहाँ पे विकल्प नंबर एक में है, और ये बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द बायोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड द साइंटिफिक फंक्शन ऑफ सेल इन 1665 वॉज, तो दोस्तों 1916 में जिस जीव विज्ञानी ने कोशिका के वैज्ञानिक कार्य की खोज की थी, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। ये इस सवाल का बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही जवाब है 101%।
दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जहाँ पे मैं आपके लिए लेके आऊँगा राजस्थान सिविल सर्विसेज के पिछले सालों के एग्ज़ाम पेपर्स, उनके सही सही जवाबों के साथ। और आप सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर दबा लेना, क्योंकि तभी आपको हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।